गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है डे नंबर 2 में। सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पर चल रही है स्पैनिश न्यूज। हाँ बिल्कुल सब पता क्या बोल रहे हैं, ये स्पैनिश न्यूज में दिखा रहे हैं कि चपाती को सब्सक्राइब करो। और ये रहा अपना रूम और ऑलरेडी गाइस आप देख रहे हो कि मैंने आधी सफाई तो यहाँ पर कर दिया, तो सफाई कर्मचारियों का आधा काम मैंने सिंपल कर दिया है। तो एक बेड यहाँ पड़ा है, एक वहाँ पड़ा है और एक बेड वहाँ, साथ में कुर्सी और साथ में स्टूल और ये अपने छपरे यूट्यूबर, साथ में टॉयलेट। हाँ कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ना, इतने सारे बंदे को बोल रहे हैं कि सारे सब्सक्राइब करो। हाँ हो जाएगा कोई बात नहीं। और टाइम की तरफ देखे तो गाइस पूरे 9 बज रहे हैं और मेरे को पता है कि 10:30 बजे तक यहाँ पर फ्री ब्रेकफास्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली फ्री का खाना मिल रहा है तो हम कभी मना नहीं करेंगे। भैंस की आँख, ये कैसा ताला है, ये खुल जा। वे हे क्या बात है गाइस, आज का मौसम तो एकदम जबरदस्त लग रहा है मेरे को। अभी ना थोड़ी बहुत हॉलीडे वाली फील आ रही है, ये देखो चरखे लगा कर रखे मोटे वाले। ओ भाई साहब, और ये रहा गाइस अपना रेस्टोरेंट, सब कुछ मेरे को चाहिए दो बारी। तो अभी गाइस यहाँ पे मेरे लिए एक फ्रेश अंडा बन रहा है, तो यार लगा दे 2-3 यार यहाँ पर। तो गाइस ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, तो ये है मेरे पास चीज, अंडे, चिकन और ये भी चिकन और यहाँ पर थोड़े बहुत और अंडे। तो गाइस प्लानिंग अपनी एकदम सिंपल है, पहले एक बारी खाएंगे उसके बाद दो बारी और जाकर लेंगे। और गाइस अभी आ रहा अपना राउंड नंबर 2। वैसे अगर देखा जाए तो खाने पीने का ऑप्शन इन लोगों ने बहुत ज्यादा देकर रखे हैं, तो ये है अपनी जैम वगैरह, ये है कुछ पेस्ट्रीज वगैरह और यहाँ पर पड़ा हुआ हॉट फूड। मेरे को ब्रोज ऑनेस्टली ना बहुत भूख लगी है, तो मैं एक यहाँ पर खत्म कर चुका हूँ और अभी राउंड नंबर 2 आ रहा अपना। इससे पहले कि ये मेरे को यहाँ से निकाल दें, ये सारा खत्म करके खुद ही निकल जाते हैं। अभी पता लगा मेरे को कि यहाँ पर फ्री जूस की मशीन भी लगी हुई है, भैंस की ये भी पी के जाएंगे अब तो यार एकदम टेस्टी। अभी गाइस मैंने दोनों प्लेटों का एक जगह पर रख दिया ताकि किसी को शक ना हो कि मैंने दो बारी खाया है। चाय पिए बगैर भैंस की यहाँ से जाऊंगा तो नहीं मैं। कौन से लोग काम करते हैं, ये कैपुचिनो यार बेस्ट है, ये पेट भर के खाने का मजा ही कुछ हो रहा है यार। अभी गाइस मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मैंने अभी तक ब्रश ही नहीं किया। जब तक गाइस हॉलीडे पर बिना ब्रश के नाश्ता ना करें तो एकदम हॉलीडे वाली फील ही नहीं आ रही। और ये देखो सुबह सुबह दुकानें भी खुल चुकी है भैंस की। ये देखो अभी ब्रश इसलिए नहीं किया कि यार मेरे पास लिटरली टूथपेस्ट नहीं थी, तो ये रही एक शॉप आ चुकी है, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर जाकर टूथपेस्ट लेनी है। कौन सी वाली ले, कोलगेट ट्रिपल एक्शन, ये सही है, ये देख रहे हो ट्रिपल एक्शन, मतलब की एक दिन दांत ब्रश किया और 3 दिन दांत ब्रश करने की जरूरत नहीं है भैंस की। ओ भाई गॉड क्या व्यू है यार, अभी ना मेरे को लिटरली स्पेन वाली फील आ रही है, मिट्टी वाले बीच, मस्त वाली सनशाइन और ये पीछे बड़े बड़े कैसल और एकदम साफ सुथरा पानी। और ये बीच के ऊपर ब्रश कर लें क्या? और ये वही बोट्स हैं जो स्कूबा डाइविंग के लिए जा रही हैं। ये देखो वो देखो एक बंदे सुबह सुबह गए स्कूबा डाइविंग करने के लिए, और ये देखो इनके सिलेंडर वगैरह सारा स्कूबा डाइविंग का सामान यहीं पर पड़ा हुआ है। पहले एक काम करते हैं ब्रश करके आते हैं, लोग क्या बोलेंगे भैंस की बीच के ऊपर ब्रश करने आया ये। खाना पीना खाने के बाद मैंने सोचा कि गाइस यहाँ पर आके ना 1-2 घंटे आराम करते हैं, लेकिन नहीं भाई मेरे को आराम करना ही नहीं है, इतना अच्छा व्यू है, इतने अच्छा मौसम है, तो यार यहाँ पर आराम करना एकदम टाइम वेस्ट ही होगा, तो फटाफट से पैकिंग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और ये रही अपनी गाड़ी, वैसे दिन में तो कुछ ज्यादा ही मस्त लग रही है यार, लेट्स गो। तो काम करते हैं गाइस, सारा सामान मुझे अपनी गाड़ी की डिग्गी के अंदर रखना पड़ेगा, तो ये बैग जाएगा यहाँ पर। और अभी मेरे को याद रखना कि मेरे को ड्राइविंग करनी है इस साइड से, गाइस मेरे को गाड़ी सबसे पहले चेंज करनी पड़ेगी। और ये वाली गाड़ी कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है मेरे लिए, क्योंकि अपनी गाड़ी में हैंडल इस तरफ होता है और गियर में चेंज करता हूँ इस हाथ से, लेकिन यहाँ पर हैंडल इस तरफ है और गियर मुझे चेंज करने इस हाथ से, और मुझे ड्राइव करना लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड साइड को। ओ भाई चोमो बंदे को फोन कर रहा हूँ, घोंचू बंदा फोन ही नहीं चक रहा, उसको मैंने बोल कर रखा था कि मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, उसके पास लिटरली एक ही जॉब थी और वो मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ी देनी थी और वो भी उसने मैसअप कर दी। अभी ना मेरे को ब्लेम नहीं करोगे, बहुत ही गंदी लेवल की ऊंचाई पर खड़ा हूँ, ये देखो मेरे पीछे पूरा व्यू दिख रहा है, मेरा होटल है उस तरफ वहां पर कहीं, और मेरे को इस कैसल के अंदर भी जाना था, और वो रही वो जगह जहाँ पर सुबह मैंने आप लोगों को टूथपेस्ट दिखाई थी, और अभी भी लोग जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए, देख रहे हो ना। तो गाइस मेरे पीछे दो ढक्कन देख रहे हो, इनको मैंने बोल कर रखा था कि मेरी फोटो खींचो अच्छी वाली, सारों ने 3 फोटो खींची, तीनों एकदम से बेकार। मैं आपको दिखाता हूँ ये स्किल होते हैं इनकी फोटो में, तेरे को एक जॉब देकर रखी है फोटो ढंग की खींचते हैं और वो भी इसने घटिया खींच ली। एक बार फिर से गाइस अपन आ चुके हैं ग्राउंड लेवल पर, और भैंस की क्या मिट्टी के मजे ले रहे हैं, और देख रहे हो सेल्फी स्टिक। अभी आपको क्या लगता है ये सेल्फी स्टिक मैंने कैमरा के लिए लेके रखी है? नहीं, किसी ने पंगे लेना भैंस की लादनी है मेरी। प्लान अभी ये है कि मेरे को ये कैसल जो है अंदर से एक्सप्लोर करना है और बिल्कुल ऊपर तक जाना है। अभी ना गाइस ऊपर जाने का ना 2 ऑप्शन है, तो एक तो पैदल यात्रा और एक ये। तो अभी ये काम करते हैं गाइस, गाड़ी पकड़ लेते हैं, खुद को थकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई मेरे कहाँ पर लेकर जा रहा है, साले को चलानी भी आती कि नहीं आती? अरे क्या मस्त व्यू है यार। अभी इन लोगों ने हमें ऊंचाई पर यहाँ पर उतार दिया और बोला कि 10 मिनट में वापस हमको वहाँ पर ट्रेन के अंदर पहुँचना है। और अगर जगह तो देखे भैंस की यहाँ का एक्चुअली नॉट बैड है यार, मेरे को लगा था कि यहाँ पे
बड़े वाला लाइट हाउस वगैरह होगा, यहाँ पर जाके मस्त वाली फोटो वगैरह खींचेंगे। अरे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये देखो कैक्टस, डेजर्ट बायोम में घूम रहे हैं लिटरली। तो सबको ना इन लोगों ने गधा बना दिया लिटरली, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पानी दिखा रहे हैं। और यही पानी मैं नीचे से भी देख सकता था, तो यार एक बार फिर से गाइस मोपी चूना लग चुका है। हमारी छुक छुक फ्रेंड पाथवेज जहाँ से मैं नीचे से शुरू किया था ना, एक्चुअली वहीं पर जा रही हैं। कितना हिला रखता हो जी, ये पैदल जा रहा है। एक्चुअली इस बंदे को देख के मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है भाई, वो बंदा पैदल जा रहा है और हमें गाड़ी लेनी पड़ रही है। भैंस की आंख, वॉकिंग करते करते मैं थक गया। देखो तो वहां से आया, वो देख रहा वो पहाड़ से पूरा बीच के ऊपर, मतलब पूरी कोस्ट लाइन में वॉक करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। और ये फाइनली ये वाली जगह आ चुकी है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सुबह मैंने पेट भर के नाश्ता कर लिया डबल, वो भी दो बारी, और उसी की वजह से अभी मेरे को भूख नहीं लगी, लेकिन मेरे को बहुत प्यास लग रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहां पर जाकर कुछ ना कुछ ड्रिंक वगैरह का इंतजाम करते हैं भाई, नहीं तो यहीं पे गए। डेजर्ट बायोम के अंदर घूम रहा हूँ, ये रियल लाइफ डेजर्ट बायोम है। बोलते हैं बीच के ऊपर जाओ, वो भी चप्पल पहन के, मिट्टी का आनंद लो। दिखाता हूँ मिट्टी, ये देखो पूरी मिट्टी चप्पलों के अंदर अंदर घुस रही है भैंस की। क्या निकलना बाहर तेरे को, क्या ये? ओ यार वही पानी लिया यार होने। और अभी प्लानिंग थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ वापस एयरपोर्ट, क्योंकि मेरे को गाड़ी चेंज करनी है। मैनुअल चलाना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है भाई, तो यार अभी चलते हैं एयरपोर्ट। यार घर वाले भी ना चैन से जीने नहीं देते, यहाँ पर भी मेरे को नहीं छोड़ रहे भाई, साथ समंदर पार हो चुका हूँ यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहे। तो बोल रहे हैं कि कल एक सरप्राइज तेरे लिए वहाँ पहुंच जाएगा, अब पता नहीं क्या है मेरे को नहीं पता। तो आई थिंक कोई ना कोई घर का बंदा आ रहा है, उसको भी चिल मारनी होगी। अब मेरे को चिल नहीं मारनी, मैं अकेला खुश हूँ भाई, हॉलीडे पे मेरे को टाइम मत करा कर, मैं अकेला बहुत खुश होता हूँ। पता क्या चक्कर है, दो तीन बंदे हो तो उनके लिए रोटी का इंतजाम करो, खाने पीने का इंतजाम करो, उनको उठाओ, वो बोलेगा मेरे को यहाँ जाना है, मैं बोलूंगा मेरे को वहाँ जाना है। नहीं ऐसे नहीं चाहिए मेरे को, मैं उठता हूँ और चला जाता हूँ, कहीं पर भी चला जाऊँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो यहाँ पर बैठ के चीले मार रहे हैं, कभी बाहर से दिखाता हूँ कितनी मस्त जगह है। आए गन्ने के खेत, पता गन्ना है पता नहीं, गन्ने के खेत है, आपको क्या पता आपको कौन सा नजर आने वाला है, तो यार गन्ने के खेत हैं। और अभी प्लान में चेंज ये है कि कल वो आ रहे हैं, तो कल मेरे को वैसे भी एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, तो आज एयरपोर्ट जाना एकदम से बेवकूफी होगी, क्योंकि एयरपोर्ट जाना एक घंटे का रास्ता है, तो एक घंटा जाओ एक घंटा आओ, टाइम पूरा टोटली वेस्ट होने वाला है। टाइम की तरफ देखा तो गाइस अभी बच चुके हैं 5 बजे, सारा दिन घूमने फिरने के बाद खाने पीने के बाद एक जूस पी रहे हैं, ठंडा ठंडा एकदम मजा आ रहा है। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ टाउन सेंटर के अंदर, तो ये रहा उनका टाउन सेंटर, और मेरे को पता लगा कि आज कुछ फ्लावर फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर। अब जब फेस्टिवल हो रहा है तो हम भी थोड़ा बहुत चेकआउट कर लेते हैं। अरे वाह ये देख रहे गाइस, तो क्या चीटियां मार रहा है इसको, जाना जितना गाइस मैंने सोच कर रखा था, ऑब्वियसली उतनी रश तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार बहुत सारे बंदे यहाँ पर, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ये बिल्डिंग्स की फोटो क्यों खींच रहे हैं। अब मेरे पीछे देखोगे ना तो लिटरली सारे बंदे ऊपर देख के बिल्डिंग्स की फोटो खींच रहे हैं। ये आ चुका है गाइस उनका था मेन प्लाजा, और मेरे को बोल कर रखा था कि यहाँ पर बहुत बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। वाह वाकई में कितने सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पर, ओए होए 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 होए। अब ये जगह पर आके पता लग रहा है कि एक्चुअली में फ्लावर फेस्टिवल था यार। अरे मैंने सोच कर रखा था कि मैं इस टाइम तक होटल वगैरह तक पहुंच जाऊंगा, अभी बैठ के आराम से शाम की चाय पी रहे होंगे और चिल मार रहे होंगे वो सामने पहाड़ों पर। तो यार यहाँ पर मैं इतना फंस गया ट्रैफिक के अंदर कि मेरे को बिल्कुल भी चिल करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे को यहाँ से निकलना है, सबसे पहले होटल बुक करना है और बस उसके बाद चिल। और फाइनली गाइस मैं अपने होटल के अंदर आ चुका हूँ और मेरे को अपना कमरा नहीं मिल रहा, पता है। और ये रहा अपना कमरा नंबर 215, तो ये कार्ड जाएगा यहाँ पर। Let's go guys. तो ये रहा अपना छोटा सा कमरा आज के लिए, और आई थिंक बत्तियां चलाने के लिए मेरे को ये कार्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये देखा, ये देख रहे हो, एक्चुअली गाइस नॉट बैड है। तो ये रहा अपना बेड, हमेशा की तरह एक बार फिर से डबल बेड। वो टीवी कहाँ, टीवी कहाँ लगा का चोंग, बंदा यहाँ पर लगा दो, बंदा लेट के देखने का ऊपर टीवी। ये रहा अपना बेड, टीवी नॉर्मली यहाँ पे होना चाहिए लेकिन नहीं, वूफ यार इतनी बड़ी दीवार यहाँ पर लगा दो। और ये रहा अपना छोटा सा बाथरूम एंड शावर, सबसे पहले मेरे को शावर लेना यहाँ पर। तो कल कोई अराइव कर रहा है अपने घर से, पता नहीं कौन होगा, आई थिंक पप्पू या लॉग या कोई ना कोई होगा, तो वो मेरे को देखना है। तो चलिए गाइस अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।